कन्नौज में अंधविश्वास की सारे हदें हुई पार। 6 साल से एक कमरे में बंद है एक लड़की। देवी का अवतार बताकर उस लड़की को जेलनुमा कमरे में कर रखा है कैद। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताएं हैं और सभी हिंदू उन देवी देवताओं पर अटूट आस्था भी रखते हैं। पर जरा सोचिए तब क्या हो जब एक इंसान को ही भगवान का रूप बताकर उसे एक जेलनुमा कमरे में कैद कर दिया जाए और उसे देवी बताकर उस काल कोठरी से बाहर आने ही न दिया जाए। कन्नौज में आस्था और अंधविश्वास के चलते एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर 6 साल से एक छोटी किशोरी को छोटे से जेलनुमा कमरे में बंद कर रखा है। आस्था और अंधविश्वास के चलते युवती को बंधक बनाकर 6 साल से एक कमरे में बंद करके रखा गया है। मानसिक रूप से कुछ परेशान युवती अचानक चिल्लाने लगती है, अचानक रोने लगती है और कभी कभी हंसने लगती है। युवती के कमरे में पूजा पाठ जैसा एक माहौल बनाया गया है। वह गंदा पड़ा कमरा, एक छोटी सी खाट, एक रजाई में एक वह पूरा दिन और रात काटती है। युवती को बाहर आने की इजाजत नहीं है, युवती को कैदियों की तरह रखा जा रहा है। वही परिजनों की माने तो परिजन उसको देवी का अवतार कहते हैं। देवी का जब मन होता है तब वह बाहर आती है, लेकिन जरा सोचिए अगर वह देवी है तो उसको कमरे में बंद क्यों रखा जाता है? कमरे को बाहर से कुंडी और ताला क्यों लगाया जाता है? छिबरामऊ क्षेत्र के टीला नगला गांव के बाहर खेत में एक बड़ा सा मकान है जहां पर एक छोटे कमरे में एक करीब 22 से 23 साल की लड़की को बंधक जैसे बना के रखा गया है। जेलनुमा कमरे में युवती मानो कैदियों की तरह उस कमरे से झांक कर देखती है। एक आस भरी निगाहों से वो देखती है आते जाते लोगों को कि कोई उसकी मदद कर दे। अंधविश्वास की आंखों पर लेकिन चादर चढ़ी हुई है। परिजन तो मानो उसके दुश्मन बने हुए हैं, उसको देवी का रूप बनाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। और लोग यहाँ पर पहले लोग आते भी थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन परिजनों ने उनको एक अवतार बताया और लोगों से कहा कि यहाँ पर जो मन्नत मांगोगे वह पूरी होगी। कभी कभार इत्तेफाक लगने से किसी की कोई चीज़ पूरी हो गई, जिसके बाद यह अंधविश्वास का खेल बढ़ चढ़ कर शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों को युवती की हालत देखकर समझ आने लगा कि कैसे उसको कैद करके रखा गया है। युवती कभी भी रोने लगती है, कभी भी हंसने लगती है और कभी भी चिल्लाने लगती है। ऐसे में उसकी हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ग्रामीणों ने दबे दबे शब्दों में बताया कि युवती मानसिक रूप से परेशान है, जिसके चलते उसको इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या बताया जा रहा, देवी है? नहीं, वो बन व्यवस्था बनाई गई, जब बैठ गई देवी तो वहाँ व्यवस्था बनाई गई। सबकी नॉलेज की बात है, DM की, SP की, चौकी इंचार्ज की, थाना अध्यक्ष की, यहाँ से उनको ले भी गए, रुकावा दो कहाँ कहाँ चेकअप करा के दिखाएगा, उसके बाद यहाँ छोड़ा, यहाँ बैठा रहा। अच्छा, ये कितने साल करीब हैं ऐसे मंदिर में? लगभग 2-3 साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या मेला लगता? क्या मेला लगता? कुछ नहीं लगता। फिर यहाँ लोग चढ़ावा करने आते हैं क्या? चढ़ावा नहीं, जो आ जाता है वहाँ लोग अपना चढ़ावा करता है। कोई मेला हो यहाँ पर दिखावटी, जैसे पूजा वूजा होती है क्या, जिसे लोग जाते हैं? सुबह जाते होंगे, आप लोग भी जाते होंगे? हम तो नहीं गए, लेकिन जो है लोग जाते हैं। पर शुरुआत में जो बैठ लिए हैं तो वहाँ लोग कीर्तन भजन अपना करते थे, बैठते थे। अच्छा, ये बताया जा रहा है ये बेटी पढ़ी भी है, BA वगैरह? हाँ, ऐसा कुछ पढ़ती रही। अचानक से ऐसे कैसे हो गया? अचानक कुछ उनको व्यापार अर्पण हुआ, उनसे आधार पर बैठ गई। अच्छा अच्छा, तो उन्हें ये भी कहा कि शादी आदि कर लो। उन्होंने कहा नहीं, शादी नहीं, हम तो देवी बनेंगे। अच्छा, उन्होंने स्वयं कहा? सही है क्या, देवी ये भी है क्या, कैसा? देवी है, ठीक है। अच्छा, देवी है। बता यार, देवी हैं और 5-6 साल से करीब बैठी हूँ। 5 साल हो गए। अच्छा, लोग आप लोगों की आस्था जुड़ी हुई वहाँ पर क्या? हाँ, जाते जाते हैं। अच्छा, पूजा वूजा करने जाते हैं? कितने लोग करीब जाते हैं, सुबह पहुँचते होंगे? अरे, काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं। अच्छा अच्छा, डेली जाते हैं आप लोग? अच्छा, खाना पीना खाते हैं क्या? खाना पीना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं। थोड़ा बहुत तो कुछ खाते होंगे, अन्न? कुछ नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते। बता रहे थे कि सेब वगैरह, दलिया? अच्छा अच्छा, रोटी वगैरह नहीं खाते हैं? उसके अंदर ही रहती हैं बंद? हाँ, उसमें अंदर ही रहती हैं। इनका इलाज वगैरह नहीं कराया? पढ़ाई वगैरह भी की है, बताया जा रहा? हाँ, पढ़ी भी है, इलाज वगैरह दिखाया था।
अच्छा इलाज में आ रहा है। यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह भी कोई आए थे क्या कभी? इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दरवाजे के पास वह किस तरह आके अचानक बैठ गई कि जैसे मानो एक कैदी जेल में बंद है। युवती के कमरे में देवी देवताओं की कई फोटो बनी हैं, एक छोटा सा हवन कुंड जैसा माहौल भी बना रखा है, जिसको देखकर वह युवती कहीं ना कहीं अपने आप को कुछ और ही समझने लगी है। लेकिन असल में वह कितनी बीमार है यह वह खुद नहीं जान पा रही है और उसके परिजन भी यह समझने को तैयार नहीं है। उसकी हालत पर वह पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि अंधविश्वास इतना बढ़ चुका है कि उसको अपना बच्चा भी बीमार नहीं दिख रहा है। तो यदि कन्नौज से हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।